केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाकी देश में ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन केरल के बाहर बगल बगल में बैठकर चाय समोसा खाते हैं। दिल्ली में कुछ और, केरल में कुछ और, इसका जवाब केरल के लोग आने वाले चुनाव में देने वाले हैं। आप भी सुनिए। केरला तिले एंडे सहोदरी सहोदर नमारे एल्ला वरक्कोम एंडे नमस्कारम। फ्रेंड्स, आई बो टू श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी, आई सीक हिज ब्लेसिंग्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड इट्स 140 करोड़ पीपल। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू तिरुवनंतपुरम। दिस सिटी इज फुल ऑफ वार्म एंड अफेक्शनेट पीपल। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज हियर लास्ट ईयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड गेदर्ड अलोंग द रोड्स टू ब्लेस मी। आई गेट सो मच लव फ्रॉम द पीपल ऑफ केरला। This also motivates me to repay their faith with more hard work। साथियों, केरला के लोगों में इस बार एक अलग ही उत्साह है। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी, वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं, क्योंकि केरला भविष्य को जीने वाला, भविष्य को जानने वाला राज्य है। और 2024 में कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है, ये भविष्य अब किसी से छुपा नहीं है। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है, इसलिए उसने एक ही एजेंडा बनाया है, मोदी को गाली दो। मैं केरला के प्रतिभावान लोगों को जानता हूं। केरला कभी ऐसी नकारात्मक सोच रखने वालों को उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा। केरला इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को, एनडीए को आशीर्वाद देगा। यहां बीजेपी
जिस तरह पदयात्रा निकाल रही है, जिस तरह सुरेंद्रन जी के साथ लोग सड़कों पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। केरला का मिजाज ही भाजपा के लिए 370 सीटों के लक्ष्य को आसान बनाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपकी आकांक्षाओं को, केरला के सपनों को साकार करने में मोदी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी ने कभी केरला को या देश के और किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा है। जब बीजेपी यहां कमजोर थी, तब भी हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है, और यहां के लोग तो पूरी दुनिया में है। आज विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद उसने केरला के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा है। गल्फ के देशों में रहने वाले मेरे भाई बहनों ने अभी हाल ही में अनुभव किया है कि तब के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। 2024 का चुनाव इस नए भारत को और आगे लेकर जाने का चुनाव है। साथियों, आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदानो मोदी युडे गारंटी। हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। भ्रष्ट लोग कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इदानो मोदी युडे गारंटी। हमने पहले ही 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और अब तीसरे कार्यकाल में कई करोड़ भारतवासी गरीबी से बाहर आने वाले हैं। इदानो मोदी युडे गारंटी। साथियों, केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। सबको पता है कि केरला के मेरे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को हायर एजुकेशन में कितनी दिक्कत आती है। हमारा तीसरा कार्यकाल केरला में
शिक्षण संस्थानों की स्थिति को और अच्छा करने पर केंद्रित होगा। इससे हमारे सामान्य परिवार के बच्चों के लिए नए रास्ते बनेंगे। इदानो मोदी युडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। इससे केरला के नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। इदानी मोदी युडे गारंटी। केरला की राज्य सरकार के लगातार असहयोग मिलने के बावजूद भी केरला भारत सरकार के लिए प्राथमिकता पर रहा है। भाजपा सरकार ने ही तय किया है कि केंद्र सरकार की सारी नौकरियों की परीक्षा मलयालम समेत सारी स्थानीय भाषाओं में भी कराई जाए। भाजपा सरकार ने ही भारत की पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद और योग के लिए पूरी दुनिया को देश से जोड़ा है। आज केरला के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए यहां के लोगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। केरला के 36 लाख से अधिक घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा मिली है। केरला के 40 लाख किसानों को सम्मान निधि के रूप में सीधी आर्थिक मदद मिली है। केरला के रोजगार देने वाले उद्यमी बने, इसके लिए राज्य में 50 लाख से अधिक मुद्रा लोन बांटे गए हैं। इसमें ज्यादातर लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। वंदे भारत से हाईवे प्रोजेक्ट तक केरला में आज न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया जा रहा है। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा? उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पर चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। आप देखिए केरला में लोग
एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में डालते हैं। कांग्रेस ने तो कम्युनिस्ट सीएम पर घोटालों के आरोप भी लगाए और उन्होंने फांसीवादी तक बता डाला। जवाब में कम्युनिस्ट सरकार ने कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज कराया। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। यानी तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली। इस धोखाधड़ी का जवाब केरल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले चुनाव में हर केरला का नागरिक देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।